बहुत प्रमाण दुष्य आती ना अंदर से तेजी के साथ में झगड़ा उसको अंदर से तेजी के साथ में। मामा प्रेस करो झगड़ा उसको तेजी से और तेजी से प्रेस करो बाबा। اللهم فات السماوات والارض عليم الغبشات انت الرحمن الرحيم اللهم اني احد اليك في هذه الحياه الدنيا لا اله الا انت وحدك لا شريك لك سيدنا محمد عبدك ورسولك فلا تكلني الا الشر والخير واني لا تكل الله برحمتك فاجعلني من التوفيق عندك احد في اليوم الخير انك انت احد في اليوم الخير انك انت احد في اليوم الخير الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين جعل الله اندر تیزی سے آگ لگاؤ جگڑ کے काट के दो टुकड़े कर दू पूरा नहीं काट दू नहीं पंखे की स्पीड कम कर रहे हो जकड़ो उसको अंदर से उसके अंदर आग भड़काओ खुद लग जैसा मठ्ठा उधर फायर की तरफ भी मार कैसा सड़ा रहा था उन्होंने उसका पूरा आंग सड़ा सड़ा के नष्ट कर रहा था उसको। हाँ उसके ओपन हार्ट सर्जरी करा दिया। हाँ क्या क्या बीमारियां डाला था उसको जल्दी बोला तो पूरा जला दूंगा। क्या क्या तकलीफ दे रहा था उसको तो अभी अभी होगा। हाँ और क्या तकलीफ दे रहा था इससे पहले टायरलेस का अटैक आया था। हाँ चलने भी नहीं दे रहा था उसको नहीं फिर इस बार भी टायरलेस का अटैक आया कि गया मैं बदनापुर तो डॉक्टर क्या बोला कि ये जो है ना तुम मन के में क्या पाया उस टाइम से जो कुर्सी पकड़ा मैंने बाबा तो आज तक कुर्सी पकड़ा और देने तुझे दो तीन टुकड़े कर दूंगा जल्दी मेरे को सवाल का जवाब नहीं दूंगा। किसमें मिला के खिलाए थे उसको पेशेंट का क्या नाम है लक्ष्मण को कहीं में खिलाए थे मिला के। हाँ क्या चीज थी वो कसम दिखाओ गाते हो तेला लगाऊं तेजी से आग और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जकड़ो उसके अंदर से तेजी से आग लगाओ लगाओ कितनी शक्ति है तेरी पूरे लगा जोर से काय दुश्मनी होती थी कौन के लेते और जादू थे क्या लेके गए थे लक्ष्मण का जादू करने के वास्ते कपड़ा चप्पल मट्टी बाल काय के होते थे फोन लो का मैं तो सबसे मेरा हाथ सबसे ऊपर ही था। ये लो मेरे से जो बनता वो तुम ले लो। सतेंगे दोबारा उसको नहीं जाली में बीमार है आप नहीं मार के ले जाएगा साथ में ले जाने वाला था नहीं ले जाने वाला था बोले थे मार के साथ में ली जा आ? बोले थे कब मार बोले थे अम्मूशाला पूर्णिमा कवाई सजी उगे मन ले होते अम्मूशा के दिन अम्मूशा के दिन अम्मूशा के दिन ले ले बोले थे। ये सब बीमारियां तू डाल रहा था उसको ये पैरों को सड़ाना पैरों को फुलाना पैर की तरफ मार रहे कपड़ा उठा के छोकरे ए कपड़ा उठाओ इसके पीछे। हाँ क्या कर रहा था उसके पैर भी सड़ा दे रहा था आधा रंग फालिश पे भी डाल दिया था उसके दिल में भी तकलीफ दे रहा था। ऊपर मार कंबर की तरफ ये यहाँ पे ये कंबर में गैप भी कर दिया था क्या करा था मन के हला दिया था उसके। हाँ मैनेज कर डाला था क्या करा था और क्या करा था इतना याद नहीं ना मार के ले जाने का था इतना याद है। हाँ और इसके बाद इसके घर से किसको ले जाने का था भाई को बच्चों को किसको कहला गया है उसको ले जाने का था साथ में उसको कैसा मारने का था बीमारी डाल के सुसाइड करा के एक्सीडेंट करके नहीं उसका भी बंदोबस्त था मेरे पास में उसका भी बंदोबस्त कर दिए उसको भी खिला दिए जादू चला देना भी उसका क्या लिए थे चप्पल मट्टी कपड़ा बाल केस का आगे ले होते क्या लिए थे उसका उसको मालूम है उसको सब मालूम है कौन लगा तो अब तेरे को क्या करूं तेरे को बस मेरे को मुक्ति दे दो जलाऊं तेजी से और आग लगाऊं नहीं बस हाँ बस ये पूरा निथार दो तो वाकर जल्दी दोनों हाथ उठा के तो वाकर ऊपर मार करेगा जादू दोबारा नहीं सतेंगा उसको नहीं नहीं मेरे पैर सीधा कर दो तेरे साथ हैं कितने और कितने तेरे साथ में हाँ शमशान से कब्रस्तान से शमशान से हाँ शमशान से लगाऊं तेजी से आंख भड़काऊं नहीं हाँ नहीं भड़काता ना जरा वो दो तीन करंट के झटके देता देख जरा कैसे रहता नहीं बाबा नहीं नहीं
देखो यहाँ कैसी ताकत है, यहाँ यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है। यहाँ देखो बाबा, यहाँ सब मैं बोलने वालों को पकड़ के हाजिर कर दें। आज तक तुझे कोई हाजिर कर सका इसके अंग में? आज तक तुझे किसी ने पकड़ के सामने लाया? तो अंदर बैठ के उसका दिल खराब करा, उसका ओपन हार्ट सर्जरी कराया, पैर खराब कर रहा, कमर खराब कर रहा, मगर कोई पकड़ के लाए तुझे सामने? यहाँ देखा ना कैसा लाई है, यहाँ अल्लाह कलाम की ताकत है। मेरे पैर से दिल, उनके दिल की तरफ, छाती की तरफ मार दे। ओपन हार्ट सर्जरी करा रहा था, कमबख्त क्या कर रहा था, रहा था एक हड्डी की दूसरी लगा रहा, दूसरी हड्डी की तीसरी लगा रहा। क्या करूं अब तेरे साथ, सुनो मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे ऐसा, अरे दूसरों के बच्चे नहीं है, दूसरों के बच्चों को तू क्या बोलते, तो परेशान कर रहा हूँ उनके आंगों में आके, तो वो नहीं होता है ना, है ना, चला उसको कमबख्त को। सुकून की नींद लगा उनको आज, सब लगाते तेरे को, तेरे को कैद करा के ले लेंगे, तेरे को जकड़ो उसको नाला को तेज के साथ में। करेंगे दोबारा परेशान? नहीं, अभी तक कितने इंसानों को मारा? नहीं, पहले से केस था ये पहला इंसान मिला था तुझे, वो जादूगर में पहला दिए थे ये। काय नाम होता ते लोग का चा, जैसे आंगन में तुला पाठ मिलता ते लोग का कौन आते है नाव जानत नहीं ना, हे इंची ते इंची काय दुश्मनी है, इसकी तुम ये आदमी की ते उसके जादूगर की तुम्हारी क्या दुश्मनी है, नालायक हो, लक्ष्मण की तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ऐसी दुश्मनी थी कई की, हम शादी विवाद में दूसरी मेरी औरत ही, वो हिसाब से उन्होंने जादू टोना कर डाला था। अच्छा, और तुझे लाके छोड़ दिया उसके अंदर, मारो बोल के, अब तुझे सब निकाल के बाहर फेंकूंगा, अब तू इज्जत से तेको एक मौका दे रहे, चले जाना उसको छोड़कर दूसरी चक्कर तक, मेरे को नाम आए सबके याद करके आके बयान करना, कोनी पाटवी ले होते, कशा मधी खाओ घातले होते, काय पैसे जादू कर ला दिले होते, कशा जादू के लिए काय का समझी गोष्ठी, समझ गया, चल जा सब याद कर जा दूसरी चक्कर तक, बाद में उसकी दवा भी निकाली है हम, इसको काय में मिला के खिलाए थे लक्ष्मण को, कशा मधी खाओ घातले होते थे। भाजी का है गोश्त में, गोश्त में काय का गोश्त था, वो बड़े का काय की भाजी थी, क्या बनाने वाला था, काली मसले की, कितना टाइम हो रहा खिला के, कितना वर्ष साले, 8 साल, 8 साल हो गए। चल अब सब याद करके आज सुनाना मेरे को दूसरे चक्कर तक, ले जाओ इसको जंजीर डाल के पकड़ के ले जाओ, और सब याद करा के लेके आओ, और उसकी दवा भी निकालने की तैयारी करो। अरे लक्ष्मण राव पानी दो पीने, ओ गिलास में का तो जल्दी उठाओ, खेलते से बैठने को ना, इधर लाओ, हाँ पिलाओ, अब कैमरा इधर मारो, मेरे पीछे से जाया, ये जो पानी है सुबह शाम दो तीन टाइम मुंह पे मारना, आंख पे मारना, पैरों पे मारना, सब तरफ स्प्रे करना, और वो दूसरी बॉटल लो इधर, ये दुआ का पानी है, बढ़ाना पिलाना, बढ़ाना पिलाना ज्यादा से ज्यादा। कैसा मसला रहता, जादू टोना तंत्र मंत्र की क्रियाएं कुछ ऐसी रहती, कुछ इस तरीके के भी अंदाज से चलाते उनको कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे आंग में शैतान आके सवाल जवाब होना, क्योंकि सवाल जवाब हर दर पे नहीं होते, और हर किसी के पास वैसी ताकत दीवाली नहीं, अल्लाह ने अल्लाह के चुनिंदा बंदों के पास दिया रहती, और वो बरोबर सामने ला के पूछाते। अब आंग में पकड़ के लाए तो क्या बोल रहा था वो कहीं का जिन्नात नहीं है, कहीं का शैतान नहीं है, खुद ब खुद आए वाला, वो लाकर 8 साल पहले जादू करके खिलाए वाली दास्तान उन्हें बयान करा, कौन करा कि ये जो शख्स है लक्ष्मण राव, इन्होंने 2 शादियां करे थे, ये दूसरी बीबी दिखता, पहली बीबी वालों की तरफ से जादू चला, और ऐसा भी आलम कर दिए कि पैर सड़ा दिए, ऐसे मोटे मोटे करके पैरों को सड़ा दिए, उससे पहले फालिश करा दिए, उससे पहले ऑटोमेटिक फालिश काटे हुआ, उन्होंने समझे फालिश हुई, दवाखानों गए करे हाथा पुआ तेड़े, उसके बाद में ओपन हार्ट सर्जरी भी करा दिए, सर्जरी पहले हुई बाद में हुई, हाँ उससे पहले ओपन हार्ट का वार मारे कि उसके दिल पकड़े गया, दिल पकड़ेगा तो फिर वो क्या हो गया, बलाएं जब दिल को पकड़ते जो भी हमला चलता है, तो वो मेडिकल साइंस तो बहुत आगे बढ़े वाला है, दिल निकाल के दूसरा दिल डालते, दिमाग निकाल के दूसरा दिमाग डालते, मगर शैतान को स्कैन करने वाली आज तक कोई मशीन नहीं बनी। जिस दिन रूहानी को नापने वाली मशीन बनेगी, जैसा शुगर, बीपी,
सब इसके अनारा कैसे निकले वाले सब नाप दे रहे, भाप दे रहे और तुम्हारा बता दे रहे इतना शुगर है, इतना बीपी है, इतना स्कैनिंग में ये बीमारी है। तो जब रूहानी को भापने वाली, आत्मा को भापने वाली मशीन निकलेगी, जब पता चलेगा तुम्हारा क्या शैतान है और क्या जादू टोने का वार है। और वहां तक तो दुनिया पहुंचेगी, अब कब पहुंचेगी बोल नहीं सकते, वो टेक्नोलॉजी बना सकते कि नहीं बना सकते, क्योंकि वो दूसरे दुनिया के वार रहते। और हो सकता पहुंचेगा अभी साइंस वहां तक, मगर बहुत वक्त है उसको वहां तक जाने के लिए। जादू टोना जो चलता है रूहानियत के ऊपर चलता है, पहले ओपन हार्ट सर्जरी कराए, फिर उसके बाद उनके हाथों पांव टेढ़े करा दिए दूसरा बार मार के जान लेने के वास्ते, फिर हाथों पांव राइट कराए कि फिर पांव फूला के सड़ाना चालू कर दिए, पैर सड़ना चालू है, पैर की तरफ मारा के ना छोड़ के हम उधर मार दे को उंगली की तरफ कैसे हत्ती के जैसे पैरा बना दिए पूरे, और सड़ाते जा रहे पूरी स्किन सब। देखो ये जो है ये सब तंत्र मंत्र के खेल है, दवा गोली तुम्हारे को सर दुख रहा, पेट दुख रहा, बीमारी है कुछ भी है क्या भी है, दवा गोली खाओ तुम्हारे को एक दो दिन में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, 48 घंटे में आराम हो जाता। बार बार दवा गोली खा रहे आराम नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा, तो समझ जाना क्योंकि वो दवा उसको कार नहीं कर रही और वो दवा उसके फील्ड की नहीं है, उसको दूसरे कोई किस्म का वार मारे वाला है, उस तरीके से उस फील्ड से उसको जाके राइट होना पड़ेगा। सर का दर्द हो रहा तो पेट की गोली नहीं खा के दुरुस्त हो सकते, और पेट दर्द हो रहा तो सर की खा के दुरुस्त नहीं हो सकते, और दोनों भी दर्द हो रहे हैं, बार बार दवा गोली खाने के बाद राइट नहीं हो रहे ये बीमारियां, तो समझ जाना फिर वो जादू टोना तंत्र मंत्र की क्रियाओं के वार है। जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, तुम अगर बोलेंगे कि हम ये बातों को मानते नहीं करते तो किसका क्या जाना, तुम्हारे जाना चले जाएंगे, पंखा डाल रहे तुम्हारे जान चले जाएंगे, और दूसरी बात क्या बोलते तो बाद में तुम बेमौत मर जाएंगे, और बेमौत मर के जाके फिर देखते बैठेंगे बोलेंगे हाय हाय हम दुनिया में ये बात को जान लेते तो हमारी जिंदगी बच जाती थी, मगर किसका क्या गया। तो इसलिए बार बार मैं तुम लोगों को इसलिए ही बताता, ये मकसद है मेरा बताना कि तुम दुआ मोमिन का हथियार है, मुसलमान हिंदू सिख ईसाई हर कोई चारों कुल पढ़ सकता, हिंदी में देख के ऐतल कुर्सी पढ़ सकता, कुल अल्लाह का सूरा पढ़ो, कुल अद्रमनास का सूरा पढ़ो, कुल अद्रमनास का, कुल अद्रबिल फलक का, अल्हम्दुलिल्लाह का, जो भी तुमको सूरे दुआएं आयात है हिंदी में देख के मिल रही हो पढ़ो और याद करो। ये मोबाइल का तो दौर ऐसा है कि तुम हर वो चीज की दुआ सामने बोलते अनाउंस करते सामने आ जाती, तो तुम ये सब चीजों को पढ़ नहीं सकते बोल नहीं सकते, तो तुम सूरे रहमान, सूरे यासीन, सूरे मुजम्मिल, सूरे वाकिया, सूरे बकरा, सूरह बकरा सुबह बजाया करो अपने घर के अंदर, हिंदू हो मुसलमान हो पाकिस्तानी के साथ बजाओ, तुम्हारे घर में खैर बरकत अल्लाह की तरफ से नाजिल होंगी, साले सारे बला बताए करके भाग देंगे तुम्हारे, तुम नहीं जलेंगे नहीं पड़ेंगे तो किसका क्या देगा, जाहिलों में डूब जाएंगे, घर को जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, किसी का कुछ नहीं जाता। और तुम सुनो मोबाइल के अंदर हर चीज है, तुम पढ़ नहीं सकते, तुमको पढ़ने नहीं आ रहा तो सुन तो सकते ना, दो से तीन बार सुनो, दस से पांच मिनट सुनो, सुनने से भी तो काम हो जाएगा ना तुम्हारा, रोज सुन सुन के तुम्हारा याद होता है तुम महफूज भी रहेंगे। तो ये सब बातें मैं तुमको इसलिए बताता कि शैतान, जादू, जिन्नात, ये लोग ना हिंदू देखते हैं, ना मुसलमान, ना दलित, ना सिख, ना ईसाई, किसको भी देखते नहीं, किसको भी नहीं गिनते, जिधर हमला बोले उधर जाते बरोबर हमला करते हैं, बरोबर ऐसे सड़ा देते, बीमारियां लगा के मार देते, हार्ट का हटाए, हार्ट का सर्जरी करे तो हाथों पांव टेढ़े कराए, हाथों पांव राइट कराए तो हाथों पैर सड़ा दे रहे हैं हत्ती के जैसे बना के पैरों को। तो ये तंत्र मंत्र की क्रिया रहती, क्या नहीं कर सकते जादू टोने से, क्या नहीं होता, अब इबादत से भी तुम कैसा नहीं बच सकते, और क्या नहीं हो सकता इबादत अगर तुम करेंगे तो, इबादत तुम्हारा उढ़ाल बन के बचाती, तुम पढ़ नहीं सकते तो सुनो कान में लगा के तो सुन सकते ना, तुम सूर्य रहमान बोलो आ जाता सुनो, सूर्य वाकया कौन सा भी सूर्य कुरान का बोलो सामने आ जाता सामने मोबाइल बोलते सुनो कान में लगा के, तो तुम सब महफूज रहेंगे, तुम महफूज रहेंगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा सब खुशी से। घबराहट हो रही थी, यानी कि इधर के रास्ते को नहीं आने देते, भला है तुमको, तुम ये सोच के खुश मत हो कि हम यार गए नहीं उधर उनके पास में जाएंगे, पहले तो उनको ट्रेन से नहीं आंदर था, घबराहट बेचैनी छोड़ा, बाद में गाड़ी में आ रहे तो टायर पंचर कर दे रहा था, तो ऐसे हरकतें क्यों करते, तुम आपको इधर के रास्ते को नहीं आन देते, वो उनको मालूम है तुम इधर आएगी कटते, फिर वो सब कट के मार के फिर उनको भस्म करते, क्योंकि ये उनका यहाँ आने के बाद जंजीरें गिर जाते हैं उनको, उनको सब अच्छे से मालूम रहता कहाँ जाके फंस जाते वो, तो वहां नहीं आन देते वो, जहाँ जाके उनको ज्यादा पावर मिलता वहां ले जाले जाके तुम आपको नचाते हो, उनकी खास बात है। तो इसलिए ये मत सोच कर खुश हो कि इधर के दर पे नहीं आ रहे तुम तो, अरे यार हमको टाइम नहीं मिला, अरे यार ये कुछ नहीं, बेवकूफ हो नहीं आन दे रहे तुम्हारे बलाएं, बलाएं
यहाँ तक कि लोगों के आंग में आके बुराया भी करते, वो कह रहे वहाँ कहीं को जा रहे हैं, वहाँ जाने से थोड़ी कुछ होता, बहुत सारे वीडियो में पूछा है भी मैं सुनो, और बाद में यहाँ पकड़ेगा तो बोलते हैं हम लोग उसके घर के दूसरे मेंबरों के आंग में जाके उसकी जबान पकड़ के तुम आपको बुरा बोल रहे थे, ऐसा कहीं रहता क्या, वहाँ इलाज होता क्या, मत जाओ, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पकड़ लेंगे और पकड़ के खत्म कर देते नष्ट करते बोलकर, तो इसलिए उन्होंने भी थोड़ा चालबाजी, उन्होंने भी पैतरे, उन्होंने भी डाव आजमाते इधर नहीं आने के लिए, और तुम उनके डाव में आके फंस गए तो तुम बड़े बेवकूफ, फिर तुम होते हलाक और गर्क। ऐसी बातें हैं, बहुत सारे बात है, बहुत सारे राज है, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कौन से आए थे, कहाँ से आए थे, कुतुब नाले तो ये सब मसले मसाइल रहते हैं, वो खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब कमल करने की तौफीक दे। जा बोलने से जाते नहीं हो, बलाएं बलाएं सब अलग अलग किस्म के रहते, कोई बला जब आती तो 100% पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता, कोई बला आती तो उसकी जबान पकड़ के दिल दिमाग पकड़ के बात करती 50% उसको भी मालूम रहता, सब उसमें अलग अलग थीरीज है, अलग अलग पार्ट्स बढ़ते, अलग अलग वार है उसी हिसाब से, अलग है जादू टोने के वार अलग है, शैतान जिन्नातों के वार अलग है, बहुत अलग अलग किस्म है उसके अंदर। मगर मैं एक ही बात बताऊंगा, इस सब का निचोड़, इस सब का हल अल्लाह का कलाम है, इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, मत करो। अब 8 साल से दवा नस नस में भिग गया ये, अब अमला करके उतारे करके दवा नस नस से खींच के बाहर निकाल के फेंकना पड़ता, वो जब निकल भी जाएंगी तो पूरे तरीके से पेशेंट गायब हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि वो जादू टोने की दवाओं का, वो चीजों का ऐसा खेल चल रहा, एक वार हटता कि दूसरा वार आगे बढ़ता, दूसरा हटा कि तीसरा, तो इसलिए वो दवाओं को ही नष्ट कर देने का, जब वो अंदर की दवाई नष्ट होकर बाहर खींच देंगी तो पूरा फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा तो फिर कौन खींचेगा, पहला वार उन्होंने खींच के लिए अंदर कि ओपन हार्ट सर्जरी करी, दूसरा वार खींची उन्होंने हाथों पांव टेढ़े करा दी, तीसरा वार खींची उन्होंने पैरा सुझा दी, सामने की दास्तान ना, मतलब क्या बोलूं मैं, कोई कहानी और किस्सा नहीं सुना रहा तुम्हारे को, प्रैक्टिकल में लाइव बता रहा हूं मैं, अल्लाह के कलाम की क्या ताकत है वो भी तुम देखो, पढ़ते टाइम पे कैसी आग लगी थी और कैसे पकड़ लिए थे उसको, और क्या क्या बयान कर रहा हूं मैं तुम भी सुन लो, वो उनकी जबानी उनकी दास्तान। तब वो खैर इससे पहले कभी हाजिर हुआ क्या, क्या ये फर्स्ट टाइम, कितनी बार आए थे यहाँ पे, पहली बार ही, ये पहली बार में फर्स्ट टाइम आते थे, उनको सामने मैंने नाम ला के बता दिया कि हाँ ऑटोमेटिक अल्लाह की तरफ से निजाम चलता, तुम बोलेंगे हमको नाम बताओ नहीं बताते, तुम बाहर से नियत करके अंदर आना हमको नाम बताना तो एक झटके में तुम्हारा नाम बता देते हैं, क्योंकि तुम्हारी नियत लड़ने की रहेंगी तो फिर नाम नहीं बताते शर फैलाने के, तो तुम्हारी नियत अगर खाली जानकर खामोश रहने की तो तुम्हारा एक झटके में नाम बता दिए, कैसा बता दिए वैसा, क्योंकि मैं नाम नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा नाम, मैं बताने वाला हूँ ना अल्लाह के फजल करम से, मैं बता के ही रहूंगा, मैं कैसे नहीं बताऊंगा, इसलिए ये बातों पर थोड़ा अमल करते जाओ, मैं जैसा बताया वैसा, बाकी नाम जानकर झगड़े करने को उतावले मत हो, नाम जानकर झगड़े करने को उतावले हुए ना तो फिर मैं नाम बताता नहीं, मैं रोक देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं बताता, ऑटोमेटिक निजाम चलता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, तुम्हारी नियत पर डिपेंड करता हूँ, रोक देते फिर नहीं बताता, इधर बता रहा जी, सुनो ना 2 मिनट, फिर उसके बाद में क्या बोलते, तो खैर सारे बातों का, सारे चीजों का निचोड़ हल मैं बार बार कहता कि पहले सुनने ज्यादा अल्लाह सबको इबादत करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो ये कह रहा था कि जो पेशेंट जो रहता तो उसमें अलग अलग किस्म के रहते, वार अलग अलग किस्म के रहते, सवाल जवाब की दास्तान है, अब इनके अंग पे किसी के अंग पे आया तो उसको 100% कुछ याद नहीं रहता, किसी को 50% और किसी को कुछ, तुम्हारे कितना याद है अभी, है क्या हुआ अंदर आने के बाद, सवाल जवाब कुछ याद है क्या, जबान से बोलो, नहीं कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तो कुछ भी नहीं मालूम, अरे तुमने पूछा कहाँ से मिला हूँ बस, सायदा कौन सा थोड़ा हो बस इतना मालूम, हाँ उनको खाली इतना मालूम, उन अंदर आए, अंदर आने के बाद यहाँ क्या चला, क्या सवाल जवाब हुए, पेशेंट को कुछ नहीं मालूम, पेशेंट बोल रहे खाली मेरे को इतना मालूम कि मैं तो औरंगाबाद जटवाड़ा सायदा, हाँ सायदा कॉलोनी से आया, मेरे को इतना मालूम है, मैंने उनको लास्ट में पूछा ना अभी कहाँ से आए, तो उन्होंने बोले औरंगाबाद सायदा कॉलोनी, उनको उतना याद है, बाकी का कुछ भी याद नहीं, अंदर क्या हुआ, क्या रिकॉर्डिंग चली आगे, क्या सवाल जवाब है, वो भला आई थी 100% सवाल जवाब करी और चले गई, 100% हाजिरी थी, वो एक भी लफ्ज याद नहीं, देखो ऐसी दास्तान रहती, ये तरीके है, और इससे पहले कहीं हाजिर नहीं हूं, किसी के सामने गया नहीं, बोला ना मेरे को सवाल जवाब में, मैं किसी के सामने हाजिर नहीं हुआ, पहली बार यहाँ हाजिर हुआ, यहाँ अल्लाह के कलाम इलाही पढ़ने वालों का दर है ये, आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला ना, इमाम हसन और हुसैन के औलादों के दर से अल्लाह आज भी फैज दुनिया को पहुंचाता, देखो ये दर कैसा है, दर मुस्तफ़ा का दर, अल्लाह वालों का दर, और ये नस्बत होती है खून की, ये घराना है,
ये ब्लड लाइन है, कहाँ से लेंगे ये ब्लड लाइन, कहाँ से शैतानों को डरेंगे, डरते थोड़ी हो, बरोबर हमला करके मार के चले जाते हैं, किसी के सामने हाजिर नहीं होते। इनका फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम में चाहे इन बीमारी समझ रहे थे, कभी नहीं हाजिर हुआ, मगर ये अल्लाह ने कैसे रुतबात कैसे बुलंद किए, मर्तबात, वो सब उसके राज रहते, तुम थोड़ी जान सकेंगे उसके क्या राज है और क्या बात है। तुम्हारे लिए इतना ही जानना जरूरी है कि आज भी अल्लाह देखो वो यजीद मिट गया और फना हो गया और उसका नाम भी गर्क हो गया और बदबख्त मलूनों में उसका नाम लिया जाता, और वो देखो इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, हमेशा जिंदा रहेंगे। सूरह अल इमरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया शहीद को मुर्दा मत कहो, और देखो आज भी सैयदना इमाम हुसैन की औलादों को अल्लाह ने कैसी ताकत दिए वाली है कि आज भी उनके दर से अल्लाह फैज पूरी दुनिया को जारी कर रहा था। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, तुमने बांट दिए धर्म आपस में, तुमने वो करे, मगर ये देखो ये इमाम हसन और हुसैन के औलादों का कैसा दर है कि आज भी अल्लाह तुम्हारा को इस दर से फैज पहुंचाता। ये उनकी हसनैन की क्या बोलते, तो ये करामत जिंदा मौजजात है उनके औलादों के, उन सबके। क्या हुआ वो मांगता है कितने जरा कैमरा मारो जरा उनको, हाँ मेरे तरफ मार कैमरा। पेशेंट को जो लाए तो रास्ते में से लेकिन यहाँ तक उनको कुछ याद नहीं है, यहाँ आने के बाद उनको बाहर साइन सिक्का अंगूठा फॉर्म भर के अंदर लाते तो उनको वो भी याद नहीं है। इसका मतलब बाहर से जांग पे था वो और शुरू से जागा था, उसको पकड़ के ला लिया थे आंग पर, होश में नहीं थे, यहाँ आने के बाद होश में आना, सवाल जवाब होने के बाद में लास्ट में, उनको ये भी पता नहीं कि अंगूठा कौन लिया उनका। देखिए किस तरीके से बलाएं घेर के और किस तरीके से मार के हलाक कर देते हैं इंसान को। अब वो लोगों को क्या मालूम, जनता को, वो तो सब ये समझ रहे थे पेशेंट इस बात कर रहा, पेशेंट इस सब वो कर रहा, क्या कि पेशेंट, मगर पेशेंट को तो इतना भी याद नहीं कि बाहर अंगोटा फार्म पे भरे साइन मारे करे, कुछ ही याद नहीं, क्या नहीं, इसका मतलब वो बाहर से शुरू से तर्ज मारा रहा था उनको लेके भागने को उधर का उधर आंग में आके। तो ये इस तरीकों से बलाएं घेर के खत्म कर देते हैं इंसान को, तुम लोग नहीं जान सकते। वो जानने वाली नजरे होना, वो जानने वाली ताकत अल्लाह ने देना, वो हटाने वाली जबान होना, वो ताकत अल्लाह की तरफ से होना तो होगा, नहीं तो तुम्हारा को तो मार देते, बलाएं कर देते, हलाक कर देते, बहुत कुछ है कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब अमल करने की तौफीक दे रहा हूँ।